चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र 2019 के बारे में। वार्षिक अंक देख रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो चुका है, विधिक परिदृश्य खत्म हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग देख चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विकिरण खत्म कर चुके हैं। तीसरा हमें बात करना है, इसमें पार्ट तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। किसके? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, इससे पहले जितने भी लेक्चर बने हुए हैं, जितनी भी बात कर चुके हैं हम लोग, वो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, वो है समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से, जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, 13 से 14 नवंबर 2019 को मध्य ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया के इमारती पैलेस में ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ब्राजीलिया दूसरी बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, इससे पूर्व 2010 में यहां इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ब्राजीलिया पहला ऐसा शहर है जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दो बार हुआ है। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय रहा है ब्रिक्स एक अभिनय भविष्य के लिए आर्थिक विकास। सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने प्रतिभाग किया है। सम्मेलन के अंत में ब्राजीलिया घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित पहलों एवं प्रलेखों को हस्ताक्षरित एवं अंगीकृत किया गया। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 5वीं बैठक की घोषणा पत्र, श्रम एवं नियोजन मंत्रियों की बैठक के संयुक्त प्रवक्ता, नवाचार ब्रिक्स नेटवर्क के लिए फ्रेमवर्क को सक्षम बनाना, ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार कार्य योजना 19-20 वोनेटो घोषणा पत्र से संबंधित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के संयुक्त वक्तव्य आदि। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसी 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। यह संगठन विश्व की 42% जनसंख्या, 23% GDP, 30% क्षेत्र एवं 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं सी चालीस विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019। 9 से 12 अक्टूबर 2019 को के मध्य डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का सातवां संस्करण था। इस सम्मेलन में सी40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा पत्र प्रस्ताव को पेश किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सम्मेलन में वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने सी40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा के तहत एक विशेष कार्यदल के गठन का निर्णय लिया है। सी40 में शामिल कोलकाता शहर को इस वर्ष ग्रीन मोबिलिटी तथा निम्न कार्बन उत्सर्जन के लिए सी40 पुरस्कार से सम्मानित किया है। ज्ञातव्य है कि भारत के 5 शहर दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर सी40 शहरों के अंतर्गत आते हैं। यह सम्मेलन वर्ष 2005 में सर्वप्रथम लंदन में आयोजित किया गया था। सिटीज कॉप 18 सम्मेलन साइट्स के पक्षकारों के सम्मेलन की 18वीं बैठक का आयोजन 17 से 28 अगस्त 2019 के मध्य जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। सम्मेलन में सार्क की 18 प्रजातियों को साइट्स के परिशिष्ट सेकंड में शामिल किया गया, जिसमें IUCN लाल सूची में शामिल गिटार फिश भी शामिल। कॉप 18 में जिराफ को परिशिष्ट सेकंड शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई, जिसका अर्थ है कि पहली बार जिराफ और जिराफ नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परमिट की आवश्यकता होगी। सम्मेलन में भारत, बांग्लादेश, नेपाल क्षेत्र के प्रस्ताव पर स्मूथ कोटेड ओटर एवं भारत, नेपाल, फिलीपींस के प्रस्ताव पर स्मॉल क्लॉड ओटर को परिशिष्ट सेकेंड से परिशिष्ट फर्स्ट में स्थानांतरित किया गया। कॉप 19 का आयोजन 2022 में कोस्टारिका में होगा। कॉप 17 का आयोजन वर्ष 2016 में दक्षिण अफ्रीका के
जोहान्सबर्ग में हुआ था, याद रखना। वन्यजीव के सिटीज अर्थात वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अभी समय। सरकार को मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीव और पादपों के नमूने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व का संकट ना उत्पन्न करे। ठीक है, तो याद रखिए ये स्विट्जरलैंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है, 18वीं 19वीं होगी कोस्टारिका में, और 17वीं हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बात करते हैं 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में 25 से 26 अक्टूबर 2019 को दो दिवसीय गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के देशों और सरकारों को प्रमुखों के बीच 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 58वीं वर्षगांठ मनाई गई। 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है समकालीन विश्व की चुनौतियों के लिए अनुकूल और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु वांडुंग सिद्धांत का समर्थन। इस सम्मेलन में 160 से अधिक देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अजरबैजान 2019 से 22 तक NAM की अध्यक्षता करेगा। सम्मेलन के अंत में वाकू घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसमें फिलिस्तीन से संबंधित घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी, वित्तीय संकट आदि विषयों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी वेनेजुएला ने की थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का में कुल 120 सदस्य हैं। बात करते हैं 35वां आसियान शिखर सम्मेलन, तो ये 2 नवंबर से 3 नवंबर तक 2019 के मध्य आसियान का 25वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय विषय रहा एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री चान पियूत चान ओ चा ने की। इस सम्मेलन के अंत में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री को सौंपी गई। वियतनाम की अध्यक्षता की अवधि 1 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई। इस दौरान 22वां आसियान प्लस 3 शिखर सम्मेलन, 7वां आसियान USA शिखर सम्मेलन, 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 22वां आसियान जापान, 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन तथा 3रा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए गए। इस शिखर सम्मेलन में आसियान देशों ने आसियान समूह विजन 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्धता दर्शाती हुए सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। सम्मेलन में थाईलैंड में आसियान सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्विजल स्टडीज एंड डायलॉग का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन और 3रे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागे साझेदारी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। उल्लेखनीय है कि RCEP एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है जिसके लिए वर्तमान में 16 देशों 10 आसियान सदस्य देशों भारत ऑस्ट्रेलिया चीन जापान न्यूजीलैंड कोरिया गणराज्य के मध्य वार्ता चल रही थी। अंतिम रूप से भारत ने RCEP में शामिल होने का निर्णय लिया है, नहीं होने का, ठीक है, अलग हो, जबकि अन्य देशों ने वर्ष 2020 में इस पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो याद रखिए भारत ने RCEP में शामिल नहीं होने का निर्णय ले लिया है। इस समझौते के तहत अंतर्गत सदस्य देशों को के आयात निर्यात पर लगने वाले कर को या तो देना ही नहीं पड़ेगा या फिर बहुत कम देना पड़ेगा। भारत RCEP के पक्ष एवं विपक्ष में दोनों तर्क दिए जाते हैं, जहां पक्ष में तर्क देते हुए यह कहा जाता है कि RCEP से बाहर रहते भारत एक बड़ी क्षेत्रीय बाजार से बाहर हो जाएगा, वहीं विपक्ष में तर्क देते हुए यह कहा गया कि इससे भारत के उत्पादकों किसानों एवं छोटे कारोबारियों काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019। 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस
के आह्वान पर कार्रवाई उन्मुख संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन मुख्यतः जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्य के कार्यान्वयन को और गति प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 65 देशों एवं मुख्य उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि कैलिफोर्निया ने वर्ष 2015 तक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती करते हुए शून्य तक लाने का वादा किया है। सम्मेलन में फ्रांस ने घोषित किया है कि वह पेरिस समझौते का उल्लंघन करने वाले देशों के साथ व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। जर्मनी ने वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। रूस ने पेरिस समझौते को अनुसमर्पित करने की घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक के लिए अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त को दोगुना करते हुए उसे 11.6 बिलियन पाउंड तक कर दिया है। भारत ने घोषणा की कि वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 175 गीगा वाट के स्तर पर ले जाएगा, जिसे और बढ़ाकर 450 गीगावाट किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान आपदा लोच अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का शुभारंभ किया गया। CDRI एक ऐसे मंच के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहेगा जहां आपका और जलवायु के अनुकूल अवसंरचना के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी, उसका आदान प्रदान किया जाएगा। नई दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा लोच अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पांचवा विक्स युवा शिखर सम्मेलन 2019 17 से 20 अक्टूबर 2019 के बीच पांचवा विक्स युवा शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संपन्न हुआ है। पांचवें सम्मेलन का मुख्य विषय उद्यमिता और नई तकनीकी विकसित युवाओं को अंतर्निहित क्षमताओं को विकास की ओर किस प्रकार ले जाए था। इस शिखर सम्मेलन में चीन को छोड़कर अन्य विकसित सदस्य देशों के युवा मामलों के मंत्रियों के साथ साथ युवा प्रतिनिधियों और युवा मामलों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। पांचवें विकसित युवा शिखर सम्मेलन में 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि दल ने भाग लिया है। भारतीय प्रतिनिधि दल में अरुणाचल प्रदेश की 2 युवा जुगनू पिगम और लुगवी डकपे शामिल थी। ठीक, प्रथम विक्स युवा शिखर सम्मेलन वर्ष 2015 में कजान रूस में आयोजित हुआ था, जबकि दूसरा विक्स युवा सम्मेलन गुवाहाटी भारत में जुलाई 2016 में आयोजित किया गया था। फिर UNCCD कॉप 14 2 से 13 सितंबर 2019 के मध्य मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभी समय के पक्षकारों की 14वीं बैठक का आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में संपन्न हुआ है। 9 सितंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया है। इस वर्ष इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय रहा है भूमि को पुनर्स्थापित करें जीवन को बनाए रखें। भारत में पहली बार UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया। भारत ने वर्ष 2021 तक अगले 2 वर्षों के लिए चीन से UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अध्यक्षता ग्रहण की है। कॉप 14 का सम्मेलन अंतिम दिन दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य लिंग पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली निजी क्षेत्र की भागीदारी जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई शांति वन पहल और भारत में 5 मिलियन हेक्टर प्रति भूमि की गुणवत्ता को बहाल करने की प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। शांति वन पहल, यह पहल दक्षिण कोरिया की एक पहल है जिसमें शांति बहाली प्रक्रिया के रूप में पारिस्थितिकी बहाली का उपयोग करना है। इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी सम्मेलन के दौरान 14 अफ्रीकी देशों ने भूमि की गुणवत्ता में गिरावट से होने वाले पुनर्वासन को रोकने के लिए इस पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रति भूमि की गुणवत्ता को बहाल करना तथा पुनर्वासियों और कमजोर समूहों के लिए ग्रीन जॉब्स कृषि का निर्माण करना है। कॉप 14 सम्मेलन का आयोजन का 10वां दिन विश्व भर में सूखे की समस्या पर केंद्रित था। इस दौरान सूखे से निपटने के लिए डॉट टूल बॉक्स को लॉन्च किया गया।
सितंबर 2019 में यूएनसीसीडी की COP14 का आयोजन करके बाहर जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता और भूमि पर सभी तीनों रियो अभिसरण समयों के पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी करने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां अधिवेशन हुआ है, अभी हुआ है 17 से 30 सितंबर 2019 के मध्य हुआ है, ये हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। 74वें अधिवेशन की अध्यक्षता अभी अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राजनीतिक और अकादमिक क्षेत्र में संबंधित तिजानी मोहम्मद बंदे ने की है। ठीक, 27 सितंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित किया है। 24 से 30 सितंबर 2019 के मध्य प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले महासभा का उच्च स्तरीय खंड, जिसे जनरल डेबेट के नाम से जाना जाता है, आयोजित हुआ है। महासभा के 74वें अधिवेशन का विषय रहा है गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु कार्यवाही और समावेशन के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देना। इस अधिवेशन में उज्बेकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा सदस्य था जिसका कोई भी प्रतिनिधित्व शामिल नहीं हुआ। कुल 192 देशों के प्रतिनिधियों में से केवल 16 महिलाएं थीं, जो भाग लेने वाले कुल प्रतिनिधियों का केवल 8.2% था। 21 सितंबर 2019 को 74वें अधिवेशन के दौरान विश्व भर से आए युवा कार्यकर्ताओं, अभिनय अन्वेषकों, उद्यमियों और परिवर्तन लाने वाले युवाओं ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में युवा जलवायु शिखर वार्ता में शिरकत की है। 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। अब बात कर लेते हैं 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019, तो यह हुआ 24 से 26 अगस्त 2019 के मध्य। 45वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण फ्रांस पश्चिम फ्रांस के BRTG में किया गया। यह 7वां अवसर है जब फ्रांस ने इस सम्मेलन की मेजबानी की है। वर्ष 2018 में यह सम्मेलन कनाडा में आयोजित हुआ था, जबकि 46वां शिखर सम्मेलन यह होगा 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, बुर्किना फासो, चिली, भारत, रवांडा, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, OECD, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी विकास बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, याद रखिए। इसके बावजूद भी जी शिखर सम्मेलन में BRTG साझेदारी के तौर पर भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के आमंत्रण पर BRTG फ्रांस का दौरा किया। इस बार शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय रहा है असमानता के खिलाफ लड़ाई। ज्ञातव्य है कि ग्रुप ऑफ सेवन के नाम से अभी G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अगली खबर की बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2019। संघाई सहयोग संगठन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13 से 14 जून 2019 के मध्य संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, याद रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में SCO के अन्य सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष यथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबे जीनबेकोव, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमाली रहमान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भी प्रतिवाद किया है। आगे बात करते हैं 8 स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त 4 पर्यवेक्षक देशों अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। उल्लेखनीय के भारतीय प्रधानमंत्री ने संगठन के सदस्यों के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु हेल्थ शब्द का संक्षिप्त रूप का विस्तार करते हुए गेस्ट में स्वास्थ्य सेवा,
ई से आर्थिक सहयोग, ए से वैकल्पिक ऊर्जा, एल से साहित्य और संस्कृति, टी से आतंक मुक्त समाज, एस से मानवीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन के अंत में जिसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, वर्ष 2020 में संघाई सहयोग के संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में प्रस्तावित है, याद रखिए। फिर रहा हमारा G20 शिखर सम्मेलन 2019, तो 28 जून 2019 के मध्य अमेरिका के मध्य ओसाका जापान, कहाँ होगा, ओसाका जापान में 20वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। जापान की मेजबानी और प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित हुए सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख मुद्दों विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार तनाव, आतंकवाद, डेटा प्रवाह, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, लैंगिक समानता आदि थे। जापान की अध्यक्षता में आयोजित शिखर सम्मेलन का मानव केंद्रित भविष्य के समाज के केंद्रीय विषय पर आधारित था। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के शेरपा सुरेश प्रभु थे, ठीक है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दिए गए भाषण में डिजिटल तकनीक को अपनाने का जोर देते हुए 5E विजन को प्रस्तुत किया। 5E में समावेशी, स्वदेशीकरण, नवाचार, आधारभूत संरचना में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रतिनिधित्व करते हैं। सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा की महत्ता पर जोर देते हुए 3+S के विचार को अपनाने पर सहमति बनी। 3+S ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, दक्षता, पर्यावरण सुरक्षा का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। सम्मेलन के दौरान समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक कचरे को वर्ष 2050 तक शून्य करने हेतु ओसाका ब्लू ओशन विजन को अपनाने जाने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2022 में पहली बार भारत को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का दायित्व सौंपा गया है। ज्ञातव्य है कि G20 शिखर सम्मेलन का सम्मेलन वर्ष 2020 में रियाद सऊदी अरब में, वर्ष 2021 में इटली में आयोजित होगा। ये भी याद रखना आपको, 2022 का भारत में होगा G20, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक। G20 का 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत में, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचनों के बारे में, ठीक। आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देखेंगे।